हरियाणा के जिला पानीपत में रिफाइनरी के पास शनिवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद शहर में भगदड़ मच गई। यहां केमिकल से भरे कैंटर में गैस वेल्डिंग करते वक्त एक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि कैंटर के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एक युवक घायल है। हादसा होने पर स्थानीय लोग और राहगीर दौड़कर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। सूचना मिलते ही इस दौरान एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। हादसे में घायल लोगों को तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां दो लोगों की मौत हो चुकी थी जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी रामनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में रिफाइनरी रोड पर केमिकल का कैंटर फटने से जुनेद निवासी घाटमपुर उत्तर प्रदेश और पप्पू निवासी गोपाल कॉलोनी पानीपत की मौत हो चुकी है। हादसे में हुसैन निवासी उत्तर प्रदेश घायल है। एक व्यक्ति और घायल बताया जा रहा है जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में एक कैंटर कंडक्टर तथा दूसरा इलेक्ट्रीशियन था। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बाकी इसमें टैंकर है, इसके हेक्जिन कोई बता रहा है कि गैस घुस होती है, उस गैस के फटने की वजह से ये घटना हुई है। और बाकी पेट्रोल भी है और मुझे 12:20 के करीब सूचना मिली थी। 4-5 मिनट में हार्डली मैं यहाँ पहुँच गया था मौके पे। मेरे आने से पहले ही इंजर्ड को स्ट्रेच किया जा चुका था। 4 बंदे इंजर्ड थे, 4 को स्ट्रेच किया जा चुका था। तो मैंने पता किया कि हेक्जिन एक केमिकल होता है, हेक्जिन जिसका कैरियर है ये टैंकर, उसको लाने जाने काम करता है। और रूटीन का इनका काम है रिफाइनरी से ले जाना। ये मिस्त्री और ये मैकेनिक ड्राइवर आपस में जानकार है, आमतौर पर यही काम कराते हैं। बल्कि मिस्त्री ने कहा था कि पहले इसको ना वाश करा लिया, तो ये इसको वाशिंग करा के लेके आया टैंकर को, कि इसमें कोई केमिकल पहले ना बचा हुआ हो, इसको वाशिंग करा के लेके आया। तो आगे बताया कि मैं वाशिंग करा लिया इसके, आप काम कर दो। जो इसका इलेक्ट्रिशियन था सोमनाथ, वो तो नीचे लाइटें ठीक कर रहा था। उसने कंडक्टर को सीटी बिठा दिया कि जैसे मैं बोलूँ स्विच को ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना, ऑफ करना, ऐसे करके। और इसका कंडक्टर था जुनेद था और ड्राइवर था इसका हुसैन, इसका ड्राइवर था हुसैन, वो भी इनकी मदद कर रहा था नीचे। तो इसमें टैंकर में हालांकि इसकी लेयर काफ़ी मोटी है टैंकर की, लोहे की, तो फिर भी इसमें गैस इतनी बन गई, इतनी पावरफुल गैस बन गई कि टैंकर का जो फ्रंट का फेस है उसको तोड़ के, वो ट्रक की सारी कैबिन को तोड़ते हुए मिस्त्री की छत उड़ा दी उसने। कितने लोगों को? बराबर की जो दुकान है उनके शीशे टूट गए हैं, जो बराबर की दुकान है उनके भी शीशे टूट गए हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।